जी वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं शबका दवान टीवी। मुझे बहुत से दोस्तों ने कमेंट करके गैस स्टेशन की जो जॉब्स हैं, गैस स्टेशन का जो काम है उसके बारे में पूछा था। तो आज की वीडियो में मैं आपको गैस स्टेशन की जो जॉब्स है, काम है और इसमें कितनी अर्निंग है, क्या प्रोसेस है, क्या इसका स्टेटस है और इस वक्त क्या चल रहा है उस बारे में मैं आपको बताऊँगा। गैस स्टेशन जो परचेज़ करने का है, कौन सी वेबसाइट है, कैसे परचेज़ किया जाता है, क्या तरीक़ेकार है, वो तो मैं किसी और दिन आपको अलग वीडियो में शेयर करूँगा। अभी सिर्फ मैं इसकी गैस स्टेशन की जो जॉब्स है इसके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा दूँ क्योंकि बाहर ज़रा हवा ज़्यादा है। कुछ दोस्त कहते हैं कि हमें फिर आवाज़ में डिस्टर्बेंस होती है सुनने में ना, तो मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ना गैस स्टेशन की जॉब्स का मैं क्विकली आपको बताता हूँ कितने पैसे हैं, क्या तरीक़ेकार है और कैसे है। गैस स्टेशन, मज़े की बात है, पीछे ये स्टेशन है। मैं इसके बारे में जो आपको बात बताने लगा वो आप ज़रा देखिएगा। यहाँ पे जो गैस स्टेशन पे जो जॉब्स होती है ना, वैसे तो 24 घंटे मुख्तलिफ जो गैस स्टेशन वो खुले होते हैं, लेकिन कुछ गैस स्टेशन ऐसे होते हैं जो शहर से थोड़ा सा दूर होते हैं, ज़रा हट के होते हैं, या आप कह सकते हैं गली महलों में होते हैं। तो वहाँ पे गैस स्टेशन की भी टाइमिंग्स होती हैं। ये जो मेन रोड पे होते हैं गैस स्टेशन, वो तो 24 घंटे खुले रहते हैं। अब बात करते हैं इनकी जॉब्स की, ये कैसे मिलती है। आप जो लोग यहाँ पे आते हैं वो तो गैस स्टेशन के बाहर ही उन्होंने लिख के लगाया होता है कि हेल्प नीडेड, हेल्प वांटेड, तो उसमें जॉब भी जाते हैं तो वो अप्लाई करके वो दे देते हैं। बड़े बड़े गैस स्टेशन में मुख्तलिफ टाइमिंग्स होती है, 3 शिफ्ट्स में आपको मिल जाता है। वो तो चलें ठीक हो गया। अब दोस्त जानना चाहेंगे इसमें पैसे कितने बनते हैं। इसमें ना $11-12 इतने पे वो देते हैं आपको काम पे। तो उसमें आप 8 घंटे कर सकते हैं, 10 घंटे कर सकते हैं, 11 या 12 घंटे जितने भी करना चाहें। हफ्ते में 5 दिन कर लें, 6-7 दिन कर लें, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन से गैस स्टेशन में कितनी शिफ्ट मिलती है। अगर आप $12 पे काम करते हैं, 40 घंटे काम करते हैं, आपके मंथली पैसे कितने बनते हैं। मंथली आपके तकरीबन $1600 से $1700 बनते हैं। टैक्स कटवा के आपका जो है तकरीबन 1500 या 1600, मतलब इतना आता है अगर आप $12 पे काम कर रहे हैं तो। लेकिन अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो फिर 2000-2500 तक बन जाता है, क्योंकि ओवर टाइम पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है घंटों पे आप कितनी देर काम करते हैं, जब उस पर डिपेंड करता है। इवन ग्रैब अप ऑन किया है, मैं एक मिनट इसको ज़रा देख लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ग्रैब अप का भी काम मैंने आपको बताना है कितना है। नहीं, इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब मतलब जो भी आपको आपके घर के रास्ते पे, जैसे ऊबर नहीं होता, आपके घर के रास्ते पे काम आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे दूर आता है आप उसको नहीं कर लेते। अच्छा, तो अगर आप $12 पे करते हैं तो फिर आपका इतना ही बनता है, जो 1800-1700 बिफोर टैक्स। अगर आप टैक्स कटा लें तो उसके बाद फिर जो है तकरीबन $1500-1600 आपके पास आता है। हाँ, अगर ओवर टाइम करें फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो अभी जो अपडेटेड चीज़ मैंने आपको बतानी है वो सिर्फ ये नहीं है कि इसके पैसे का, मैंने अभी ये बताना है कि मैं या गैस स्टेशन में ना यहाँ पे फ्यूल फिल करवाने उनके पास अंदर गया। ये सामने स्टेशन होता है, यहाँ पे बंदा काम करता है। आज से कुछ दिन पहले अंदर जाके वो फिल किया करता था, लेकिन अब उन्होंने लिख के लगा दिया ये जो गैस स्टेशन है इस पर, जैसे ये देखें इस पर उन्होंने, आप देख रहे हैं, उन्होंने लिख के लगाया कि यहाँ पर सेल्फ पेमेंट करें, आपने कार्ड डालना और कार्ड्स के थ्रू आपने पेमेंट करनी है। तो इसका मतलब यह है कि गैस स्टेशन वाला जो अंदर बंदा है, उन्होंने बंदे की ज़रूरत को कम कर दिया। किसने काम किया? मशीन ने काम किया, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो मैंने फिर अंदर से बैठ के जो है ना इसकी पेमेंट की, गैस फिल किया, तो मुझे उस बंदे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब वो अंदर जो बंदा रह गया वो फ्यूल के लिए, तो ये हो गया सारा कुछ। अब वो रह गया उसकी जो है ना परचेज़ के लिए। फूड मार्ट भी है साथ, फूड मार्ट में चलता रहा। मैं ये नहीं कहता गैस स्टेशन की जॉब खत्म हुई, नहीं नहीं बहुत ज़्यादा अभी भी रहेंगी क्योंकि बंदों के फिर भी मताज है, लेकिन थोड़ी सी कंपैरेटिवली ये जो ऑटोमेशन होने, जिन्होंने सिर्फ फ्यूल डलवाना है वो पहले वो भी अंदर जाया करते थे, तो मोस्टली जो मशीनों पे इन्होंने ये लगा दिए जिसमें इधर से ही पे करें और इधर से अंदर जाए। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए फिर बंदा वो गैस स्टेशन के लिए वो फिर अंदर जाता है कि जाके इसको वो देख लें या ठीक कर लें। तो गैस स्टेशन का जो बिज़नेस है उसके बारे में मैं आपको वेबसाइट में आपको बताऊँगा। बिजनेस बायस है लैब वेबसाइट है, उस पर यह गैस स्टेशन तकरीबन $4-5 लाख का आ जाता है। जो अगर आप सिर्फ बिजनेस खरीदें तो $1,10,000 या $1,40,000 तक सिर्फ बिजनेस आ जाता है। जैसे कहते हैं ना रेंट पे गैस स्टेशन लेना, तो $1,40,000 तो आप ले सकते हैं,
यहाँ पे एजेंट्स हैं जो अगर तू जो यहाँ लेना चाहेंगे तो मतलब मैं उनको फर्दर डिटेल में जो है ना इसकी वेबसाइट उसका एड्रेस कितने पैसे हैं वो मैं एक वीडियो बनाई हुई है, अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो उसमें मैं आपको बताऊंगा रफ़ एस्टिमेट। अगर आप जानना चाहें गैस स्टेशन का बिज़नेस ख़रीदने का तो वेबसाइट है उसकी बिज़नेस बाय सेल, आप लिख BIZ BuySell.com। इसमें यूएसए की जो है ना गैस स्टेशन का आता है। इसके अलावा दो तीन और भी वेबसाइट हैं उनका भी मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। ये बिल्कुल इसी तरह से बिज़नेस बिकते हैं जिस तरह से कुछ चीज़ें बिकती हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा हुआ, कुछ जानकारी हुई तो आप जो है शफकत वन टीवी को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो को जो है ना क्या कहते हैं मतलब, तो उससे क्या होगा कि मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी और जो भी आप जानना चाहेंगे तो उसको दुरुस्त मशवरा दुरुस्त रहनुमाई यहाँ से जो हो सके वो करते रहेंगे। अभी मैं लाइव होपफुली कल करूँगा आज भी करनी थी लाइव, बहुत से दोस्तों ने क्वेश्चन किए हैं लेकिन कोई काम पड़ जाता है तो वो उस वक्त नहीं हो पाती। अब कल भी अगर कोई काम नहीं पड़ता तो मैं फिर लाइव करूँगा और आधा घंटा पहले आपको अपडेट कर दूंगा। आपके दिल में जो भी जायज़ ख्वाहिश है वो रब पूरा करे, कोई दुख दर्द कोई तकलीफ़ है तो उसको रब दूर करे। कोई भी लम्हा किसी का पता नहीं होता, किसी लम्हे में मुँह से निकली हुई बात पूरी हो जाती है, तो इसलिए हमें अच्छी अल्फाज ही निकालने चाहिए। शफकत वन टीवी देखते रहिए, इसी जितना नेक्स्ट वीडियो।